शुरू हो चुका है दीपोत्सव और काशी में दिखने लगा है भव्य आकर्षण। आप देखें यहाँ पर जो घाट किनारे दीपों की श्रृंखला है वो सजने लगी है और हर तरफ आपको दीपों की जगमग रोशनी दिख रही होगी। इसके साथ ही झालरों की रोशनी और गंगा उस पार का भी दृश्य आपको दिखा रहे हैं। आप देखें गंगा के दूसरे छोर यानी रेत की ओर भी आपको ऐसी आभा दिखाई दे रही है जैसे यूँ लगता है कि आकाश के तारे जमीन पर उतर गए हैं और स्वर्ग सा दृश्य यही है। यही वो दृश्य है जिसकी एक झलक पाने मात्र को यहाँ पर ये जो पर्यटक आपको नौका विहार कर रहे हैं वो पहुँचे हुए हैं। तो हर ओर आपको दीपों की इस श्रृंखला और श्रृंखला के दर्शन करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त, जो भी श्रद्धालु, जो भी दर्शक यहाँ आज के दिन पहुँचता है, दीपों की श्रृंखला को देखता है, उसके दर्शन करता है, उसके मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। सजी हुई नौका को देखिए, इसके साथ ही सजे हुए घाट को देखिए। इतना ही नहीं, बाबा विश्वनाथ के धाम के सजे हुए इस द्वार को भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए बाबा का ये द्वार किस तरह से फूलों के साथ झालरों की रोशनी में नहाया हुआ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हर ओर झालरों की ये दिव्य रोशनी इस पूरे आयोजन को, इस पूरी देव दीपावली के आयोजन को भव्यता प्रदान करता हुआ आपके सामने। और हर ओर जो भक्त हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये भीड़, देखिए ये घाट की ओर आने के लिए किस तरह से भीड़ आतुर दिखाई दे रही है। हर कोई घाटों की ओर आना चाह रहा है और एक झलक प्राप्त करना चाह रहा है कि आखिर जो घाटों का दृश्य है, जो मनोरम दृश्य है, जो स्वर्ग सा दृश्य है वो कैसा लग रहा है। तो आप देखें यहाँ पर हर ओर आपको रोशनी और इस रोशनी में नहाए हुए काशी के घाट दिखाई दे रहे होंगे। हर ओर एक अलग सी छटा बिखरी हुई दिखाई दे रही है। हर ओर एक अलग सा दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बेहद अलौकिक दृश्य, और इस अलौकिक दृश्य में खोकर हर कोई यहाँ पर घाट के किनारे पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो घाटों की छटा है लोगों के आकर्षण का केंद्र है और लोग इन घाटों की छटा को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देखें हर ओर आपको जो दर्शक हैं उनकी भीड़ दिखाई दे रही है और विश्वनाथ धाम के जो किनारे की दीवारें हैं आप देखें यहाँ पर हर ओर आपको झालरों की लाइट दिखाई देगी और झालरों की रोशनी में सना हुआ ये सारा घाट का दृश्य आपको भी आकर्षित करता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए चारों तरफ आपको भव्य रोशनी यहाँ पर, ये देखिए चारों तरफ भव्य रोशनी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो लोग हैं वो घाट के किनारे अपने मोबाइल में तस्वीरें लेते हुए और इस भव्य रोशनी को कहीं ना कहीं निहारते हुए, चाहे युवा हों या फिर युवतियां हों या फिर जो श्रद्धालु हैं, सभी यहां पर पहुंचकर घाट किनारे इन दृश्यों को अपने आँखों में सजोना चाहते हैं। तो देखिए ये सामने ये दीपों की श्रृंखला पूरी तरह से तैयार और इसी दृश्य का सभी को इंतज़ार था। तो अब घाट किनारे पूरी तरह से जो सजे हुए घाट हैं उनका दृश्य अब सामने प्रतीत होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखिए चारों तरफ आपको भव्य रोशनी, दिव्य रोशनी से नहाए हुए घाट दिखाई दे रहे हैं और इन घाटों की रोशनी को देखकर लोग अलौकिक काशी को कहीं ना कहीं महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देव दीपावली का अनोखा दृश्य और ये परिवार यहाँ पर इस दृश्य को देखने के लिए, तो किस तरह का मनोरम और ये दृश्य? सर बहुत ही मनोरम दृश्य है और ये हमारे सनातन धर्म को और आगे ले जाने वाली परंपरा है सर, और हम लोग बहुत तन मन से इसको सर हम लोग मनाने आए हैं और हम लोग सुबह से सर यहीं पर हैं। हमने पूरा अपना टाइम दिया सर और वो आरती वारती सब देख के जाएंगे सर। रोशनी का इंतजार था, इस रोशनी का इंतजार था बहुत बहुत समय से इंतजार था इस चीज़ के लिए। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि और ये दौर ऐसा चल रहा है कि बहुत अच्छा, सबके लिए बहुत बढ़िया है। काफ़ी देर से देख रहा हूँ, तस्वीरें भी उतारने का प्रयास था मोबाइल में। कितना अद्भुत है ये, बहुत है सर हम लोग के लिए। और हम लोग बहुत दूर से आए हैं, हम लोग अंडमान निकोबार से आए और हम लोग का ये बहुत सौभाग्य है कि हमको ये दर्शन करने को मिला, ये दृश्य देखने को मिला। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हमारे भोले बाबा का दर्शन भी हमने बहुत अच्छे से किया।
बोलो बेटा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बच्चों ने हर हर महादेव कहा, आप लोगों ने तो बड़ा धीमे से। हर हर महादेव। अब देखिए, और स्वामी जी आज का ये दिन कितना इंतजार। सर्वप्रथम काशी में बाबा विश्वनाथ के चरणों से ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज देव दीपावली है। देव दीपावली जैसे कि इस नाम से स्पष्ट हो रहा है, देवताओं की दीपावली। आज ही के दिन बाबा विश्वनाथ, जिनके चरणों में इस समय हम लोग उनकी की कृपा से विद्यमान हैं, त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध आज ही के दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्होंने किया था। और उसके त्रिपुरासुर नामक राक्षस के अत्याचार का अंत करने के कारण सारे देवी देवता हर्ष और उल्लास के साथ जो है दीपावली मनाए, दीप जलाए। कहाँ पर? काशी में, जहाँ पर इस समय अभी के अभी हम लोग हैं। यहाँ पे गंगा के तट पर दिखाई जो है दृश्य, सारे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, यहाँ दीप दान करते हैं। और आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है, सारे देवी देवता लोग यहाँ पे जो है दीप दान करते हैं। और इसी के साथ साथ सारे मनुष्य, सारे लोग आते हैं। एक बहुत बड़ी बात है जिसको मैं शब्दों में आपको नहीं बता सकता कितना बड़ा महत्व है। निश्चित तौर पर जब दृश्य इस तरह का हो तो शब्दों में बयां करना शायद कठिन होता है, लेकिन इंतजार कितना रहता है? बहुत अच्छा लगा यहाँ के। ऐसे तो हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, पर हम लोग गुजरात अहमदाबाद से आए हैं देव दिवाली देखने के लिए। बहुत अच्छा लगा। जी बहुत अच्छा। से आते हैं गुजरात से आए इस बार? अच्छा। ऐसे हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन हम लोग कंटिन्यू अहमदाबाद गुजरात ही रहते हैं। लेकिन यहाँ के देव दिवाली इतना अच्छा लगता है कि हम लोग सोचते थे, लेकिन आज हम लोग कंटिन्यू भगवान काशी विश्वनाथ के चरणों में। बहुत अच्छा लगा मेरे को देख के। छोटा बच्चा है और बहुत देर से बातचीत करने के लिए, तो कुछ मंत्र आप बता रहे थे कि आपको याद है, वो कौन से मंत्र? शिव जी के मंत्र हैं, ओम त्रयम मकम यजा महेश सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वार मुक्षियम अमृता। कुछ देखा आपने जो दृश्य है वो कैसा था? काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे। बहुत काफ़ी अद्भुत थी। तो अद्भुत दृश्य, और इस अद्भुत दृश्य के साथ यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं वो भी पहुँचे हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर, देखिए ये, देखिए ये जो लोग हैं वो अपनी संगीत साधना को भी यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए, और आप देखें यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंचकर अपनी संगीत की प्रस्तुति भी दे रहे हैं। तो ये जो दृश्य है वो भी अपने आप में खास हो जाता है, और इस खास दृश्य को कहीं ना कहीं हर कोई अपनी आँखों में उतारना चाहता है। और यही इस पर्व का मूल कहे तो तत्व है, और इस पर्व पर लोग खुद को कहीं ना कहीं एक अलग भाव में महसूस कर रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।